10 सितंबर 1965 को कर्नाटक में जन्मे अतुल कुलकर्णी बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से है जिनकी पहचान एक दमदार कलाकार के रूप में होती है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कर्नाटक से की थी। अतुल कुलकर्णी ने पहली बार अभिनय अपने स्कूल में तब किया जब वह 10वीं क्लास में थे। इसके बाद वह स्कूल से लेकर कॉलेज तक कई थिएटर ग्रुप से जुड़े जहां उन्होंने अभिनय की बारीकियों को सीखा। इसके बाद अतुल कुलकर्णी ने कलाकार बनने का फैसला किया। अतुल कुलकर्णी ने हिंदी के अलावा मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। अतुल कुलकर्णी ने साल 1995 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिप्लोमा की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की ओर रुख किया। अतुल कुलकर्णी की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म भूमि गीता थी। इसके बाद अतुल कुलकर्णी कुछ ऐसे शानदार किरदार में नजर आए कि हर किसी को अपने हुनर का दीवाना बना दिया। मधुर भंडारकर की चांदनी बार से अतुल कुलकर्णी को जबरदस्त सफलता मिली। इस फिल्म में अतुल के किरदार को खूब पसंद किया गया। तब्बू फिल्म में मुख्य हीरोइन थी और फिल्म की कहानी भी उनके इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन फिर भी अपनी अदाकारी से अतुल दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। चांदनी बार के अलावा और रंग दे बसंती, द अटैक्स ऑफ 26 गारा में भी नजर आए। इन फिल्मों में न सिर्फ अतुल ने दर्शकों का दिल जीता बल्कि अपनी शानदार परफॉर्मेंस से आलोचकों को भी अपना पसंदीदा बना लिया। इसके बाद वो मराठी फिल्म नटरंग का हिस्सा बने। ये फिल्म उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म में एक ऐसे युवा की कहानी दिखाई गई थी जो परिवार, दोस्तों और समाज से जुड़ी तमाम उलझनों को पास करने की कोशिश करता है। इस फिल्म में लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया था। इसके अलावा कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका में भी तात्या टोपे का किरदार निभाकर एक बार फिर उन्होंने अपनी प्रतिभा साबित कर दी। सपोर्टिंग किरदार के साथ साथ नकारात्मक किरदार में भी अतुल खूब जचे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरा नजरिया एक किरदार की बजाय पूरी कहानी पर रहता है। मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि जो कहानी निर्माता या निर्देशक मुझे सुना रहे हैं, वह दर्शकों को पसंद आएगी या नहीं। मैं कहानी को दर्शकों के नजरिए से सुनता हूँ और उसी के अनुसार फैसला लेता हूँ। समय की मांग को देखते हुए अतुल भी अब वेब सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने अर्ट बालाजी की वेब सीरीज द टेस्ट केस में कर्नल अजिंक्य साठे के किरदार से डिजिटल स्क्रीन दुनिया में कदम रखा। इसके अलावा वो प्राइम वीडियो की सीरीज बंदिश में भी नजर आ चुके हैं। अतुल कुलकर्णी की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पत्नी थिएटर कलाकार गीतांजलि कुलकर्णी है। अभिनय के अलावा यह दोनों छोटे बच्चों के लिए एक एनजीओ भी चलाते हैं। अतुल कुलकर्णी की दी गई जानकारी आप सबको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा।